केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए चलाई जा रही फ्लैगशिप पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। श्रमयोगी मानधन स्कीम में बदलाव के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने खाका तैयार कर लिया है। पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए कामगार की आयु और वेतन की सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अभी इस योजना में 40 साल तक के वो कामगार शामिल हो सकते हैं जिनका वेतन 15,000 रुपये तक है। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में भी पेंशन खाता खुलवाने की सुविधा दी जाएगी। सर, मुख्य तौर पे कौन कौन से लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रहे हैं और क्या कुछ इसकी रूपरेखा होगी, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। विपुल, क्या है कि एक स्कीम है जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना। इसमें 18 से इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझिएगा। इसमें 18 से 40 साल के वो जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, इसमें इसके प्रावधान इस प्रकार हैं कि जैसे फर्ज करिए कि हमारे मैं और आप वहां पे हैं, तो इस आयु वर्ग में हम लोग मान लीजिए एक 200 रुपए पेंशन स्कीम में जमा करते हैं, तो आप 200 रुपए करेंगे तो सरकार भी 200 रुपए करेगी, आप अगर 150 रुपए करेंगे तो सरकार भी 150 रुपया उसमें करेगी। इस प्रकार से जब आपकी एज हो जाएगी तो उस सूरत में आपको सरकार जो है वो करीब वो 3,000 ओल्ड एज पेंशन देगी। अब समझने वाली बात यह है कि इसकी सीमा अगर आयु की सीमा अगर सरकार बढ़ा रही है और वेतन की सीमा बढ़ा रही है, इसका मतलब एक समझिए इसका एम्बिट बढ़ने वाला है, तो ज्यादा लोग इसके दायरे में आ सकेंगे। ज्यादा अभी जैसे 40 साल के है, अब 40 साल का बढ़ाएंगे तो नेचुरली उसमें ज्यादा लोग आपको शामिल करने पड़ेंगे। तो ये देखिए स्कीम तो अच्छी है लेकिन यह है कि अगर उसका लिमिटेड लोगों तक फायदा पहुंच रहा है तो उस स्कीम का कोई अर्थ नहीं है। अब आप उसको ज्यादा लोगों को एज बढ़ा करके उसको ज्यादा लोगों को एम्बिट में ला रहे हैं तो ज्यादा लोग उसके लिए फायदा उठा पाएंगे, ये इस योजना की खासियत है। चलिए, तो बिल्कुल अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पेंशन योजना का लाभ पहुंचे। और इसी के साथ अब मनी सेंट्रल को समाप्त करने का समय हो गया है और बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात इसमें हम लोग थोड़ी और चर्चा कर सकते थे विपुल जी, एक मिनट में मैं इसको समेट नहीं पहुंच सकता। आराम से जी, जी, जी। जो सरकार मुझे इस बात से हंसी आ रही थी कि आप देखिए क्या है ना, महंगाई कम करने के लिए सरकार का काम, महंगाई कम करने के लिए सामान बेचना ही सरकार का काम है नहीं। ये सब आप वोट के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। जो सरकार अभी केंद्रीय भंडार से आप बेचेंगे चावल और गेहूं, ये सरकार का काम नहीं। कितने केंद्रीय भंडार हैं इस देश में, 140 भी नहीं होंगे, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, और भी कम होंगे। उसके जरिए इस देश में कितना चावल आप बेच लेंगे और नेफेड के स्टोर के जरिए कितने गेहूं बेच लेंगे आप? तो मेरा ही मानना है कि ये ऑप्टिक्स है, ये आप फोटो खिंचवा सकते हैं इसके साथ, गाड़ी में उनके जो मोबाइल वाहन है उसके साथ जाके फोटो खिंचवा सकते हैं, जो रिटेल कस्टमर है उसको 2 बोरी आटा और गेहूं देके आप फोटो खिंचवा सकते हैं, पर ये सब के लिए तो ये सही है। लेकिन महंगाई कम करने की ये कवायद नहीं है। महंगाई कम करने के लिए कवायद दूसरी है जिसको हम लोग आलस में करना नहीं चाहते, तो ये सब दिखाने के लिए आप करते हैं, लेकिन ये सरकार का काम सामान बेचना नहीं है। सरकार सामान बेच नहीं सकती, वो सरकार के बस का नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर, और खास तौर से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपके पास पर्याप्त, जैसा आप बता रहे हैं कि 140 भी नहीं है, तो ऐसे में कितने लोगों को उसका लाभ मिलेगा ये मतलब फोटो खिंचवाने में ठीक लगता है, वोट मिल जाते हैं। चलिए, खैर, नेताओं लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, वोट भी मिलना जरूरी है। इस बीच विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत और पाकिस्तान ने हाथ मिलाया है। जी हाँ, खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडारण से जुड़ी चिंताओं को खत्म करने की मांग को लेकर के भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका WTO के सामने एक साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए हैं। भारत और कई अन्य देश पिछले एक दशक से सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे को हल करने की मांग कर रहे हैं ताकि गरीब और विकासशील देशों के हितों की रक्षा की जा सके, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसमें बाधा खड़ी कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका एक साथ मिलकर के कृषि उत्पादों के आयात में वृद्धि को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की भी मांग कर रहे हैं और विश्व व्यापार संगठन की कृषि समिति से ये मांग की जा रही है। सर, इस बात को किस तरीके से समझा जाए, जरा पहले तो इस खबर को जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। और इसमें विपुल क्या है कि देखिए, कृषि हमारे लिए बड़ा नाजुक एरिया है, वो श्रीलंका के लिए भी है, वो पाकिस्तान के लिए भी है, ये हमसे बेहतर थोड़ी नहीं है।
बिल्कुल तो हमारे यहाँ जो जो जैसे जो प्रोक्योरमेंट है या जो किसानों के ऊपर जैसे मार्केट खोलने की आप बात करते हैं, इसमें यह है कि कृषि से जुड़े हुए मुद्दे जो WTO में आप उठाएंगे, वो हमारा सबका कहना है कि उसमें जो ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है वही उस पर फैसला करेगी। इसमें कोई भी नई किस्म की व्यवस्था आप लाना चाहेंगे, कोई भी नई किसी भी नई नई स्ट्रक्चर के साथ अगर इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे, तो वो हमारे यहाँ जो जो एग्रीकल्चर है उसको इम्पैक्ट करेगा, तो हमारे यहाँ भी करेगा और बाकी और देशों में भी करेगा जो हमारी बराबरी के की इकोनॉमीज हैं। तो इसको सिर्फ ऐसे समझा जाए कि ये बड़ा लंबे टाइम से चल रहा हुआ मुद्दा है WTO में। जब हम कृषि को लेकर देखिए, कृषि को लेकर हम बड़े प्रोटेक्टिव रहते हैं, हमारे पास उसकी वजह है क्योंकि हमारे यहाँ 65% लोग जो है वो कृषि पर निर्भर है। हम कनाडा और दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसकी बात मान के कृषि को हम ऐसे नहीं एक्सपोज छोड़ सकते जहाँ पे कल को हमें 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 दिक्कत आ जाए हमारे किसानों को। इसलिए ये खबर जो है हमारे लिए अभी इतना समझने के लिए है कि अभी ये अगले ये जिस बहस की बात कर रहे हैं और जिस डिस्कशन की बात कर रहे हैं, ये अगले अभी कुछ महीने और कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कोई इसमें हाथ मिलाने जैसी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया इंडिया और पाकिस्तान की बात है, लेकिन कोई इसका अभी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होने जा रहा है ये समझ लीजिए, क्योंकि इसमें भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं होगा।